हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल माइंडसेट। चलिए देखते हैं कल मार्केट किस पॉइंट पर मोमेंटम करेगी, किस स्टॉक में आप ट्रेड कर सकते हैं, इसके पीछे क्या रीजन क्या है। अगर मार्केट का ओपनिंग गैप अप हो तो क्या करें, गैप डाउन हो तो क्या करें, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है तो किस साइड मूवमेंट करेगी, इन सारी टॉपिक पर हम लोग डिस्कशन करने वाले। लेट्स सी, हमारा कल का क्लियरली एनालिसिस था कि अगर मार्केट इस रेंज में कहीं पे ओपन होती है और यहाँ पर थोड़ा देर रेंज क्रिएट करती है, इसके बाद जिधर साइड ब्रेकआउट करेगा वहाँ पर हम अपना ट्रेड लगाएंगे। अपर साइड ब्रेक करेगा तो बहुत ही अच्छा है, डाउन साइड में बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है क्योंकि ये सारे सपोर्ट जोन है, तो मार्केट यहाँ से कहीं से भी रिवर्सल ले सकता है। कल क्लियरली मैंने बताया था कि आज के सेशन में मार्केट में बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं होगा, रेंज में ही ट्रेड करेगा। तो चलिए देखते हैं कि कल हमें कैसे ट्रेड करना है। कल एक्सपायरी डे है तो मार्केट मूवमेंट कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, अभी देखेंगे। मार्केट में एक यहाँ पर इनसाइड कैंडल टाइप का क्रिएट हो चुका है, यहाँ पर एक हैमर, अब यहाँ पर एक इनसाइड टाइप का कैंडल क्रिएट कर चुका है। डेली कैंडल में आप देखेंगे तो यहाँ पर एक इनसाइड कैंडल भी बना चुका है। अगर यहाँ पर एक पॉजिटिव कैंडल में एक ग्रीन कैंडल में क्लोजिंग देता, इस तरह से कैंडल बनाता ग्रीन कैंडल, तो यहाँ पर बाइंग करना हमारे लिए ईजी होता, यहाँ से अपसाइड मूवमेंट कर पाता। आप यहाँ पर 15 मिनट कैंडल में देखेंगे कि मार्केट यहाँ पर छोटी सी रेंज क्रिएट करने के बाद यहाँ पर एक ब्रेकआउट दिया, लेकिन बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर पाया क्योंकि ये सारे सपोर्ट जोन थे। तो यहाँ पर मार्केट ने इसे सपोर्ट लिया, फिर अप गया, फिर आया, फिर कहीं ना कहीं इसी प्राइस पे क्लोजिंग दे दिया। अगर कहीं पे अपर साइड में क्लोजिंग होती तो मार्केट में एक बाई मूवमेंट का चांस था, जैसे निफ्टी ने अपर साइड में जाकर के क्लोजिंग दिया, लेकिन बैंक निफ्टी डाउन साइड में आकर के क्लोजिंग दिया, तो ये बहुत ही कंफ्यूजिंग प्लेस पर क्लोजिंग दिया। तो कल अगर मार्केट इस रेंज में कहीं पे ओपन होती है तो यहाँ पर देखना इंटरेस्टिंग ये होगा कि किस तरफ मूव करता है। अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो एक ट्रेंड लाइन है, तो अगर इस रेंज में ओपन होकर के अगर ये अप साइड निकलती है तो 37,200 के ऊपर हम बाइंग कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर मार्केट में अगर कहीं पे गैप अप ओपनिंग हो जाती है 37,200 के बाद में, इधर कहीं पे गैप अप ओपनिंग हो जाती है तो यहाँ पर कोई पॉजिटिव कैंडल मिलती है इस स्विंग के ऊपर, इसके ऊपर कोई पॉजिटिव कैंडल क्लोजिंग देती है स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल और इसके हाई को निकलती है, तो यहाँ पर बाइंग हमारे लिए ईजी हो जाएगा। यहाँ से मार्केट 200-300 पॉइंट ईजिली मूव कर सकता है क्योंकि इसके पास बहुत अच्छी स्पेस है। लेकिन अगर मार्केट इस रेंज में कहीं पर गैप अप ओपनिंग होती है इस रेंज में, तो मार्केट ने यहाँ पर वोलेटिलिटी कल के सेशन में क्रिएट कर सकता है क्योंकि ये रेजिस्टेंस पॉइंट है और ये सपोर्ट जोन है, तो मार्केट इस सपोर्ट जोन को इतनी आसानी से ब्रेक नहीं करेगा, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। हालांकि ये जो लेवल है बहुत टाइम टेस्टेड है, ये बहुत बार मल्टीपल टाइम टेस्टेड है, लेकिन इसे क्रॉस करना कल के सेशन में थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। अगर कल है 12:30 के बाद क्रॉस करे तो मार्केट डाउनफॉल हो सकती है क्योंकि ये लेवल है जो कई बार टेस्टेड है, तो इस लेवल को अगर 12:30 के बाद निकालती है तो यहाँ पर डाउनफॉल की मोमेंटम देखने को मिल सकती है, जो जाकर के 36,150 के पास में सपोर्ट लेगा, तो यहाँ पर डाउनफॉल बहुत अच्छी स्पेस है। लेकिन यहाँ पर मार्केट थोड़ा देर टाइम स्पेंड करे, 1 से 2 घंटा टाइम स्पेंड करे, इसे ब्रेकआउट दे तो हमारे लिए बेहतर होगा। अगर यहाँ पर ओपन होते ही मार्केट धड़ नीचे गिरना स्टार्ट करता है तो यहाँ पर हम फॉल नहीं समझेंगे, ये फॉल्स ब्रेकआउट है, यहाँ से मार्केट कहीं से भी रिवर्स ले सकता है। यहाँ पर अगर मार्केट रेंज में ट्रेड करने के बाद इसको ब्रेकआउट देती है डाउन साइड में, तो यहाँ पर इजीली मार्केट में मोमेंटम 300-400 पॉइंट मिल सकती है। हम बाइंग तभी प्लान करेंगे जब मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग दे 15 मिनट कैंडल का, तो हम बाइंग के प्लान कर सकते हैं। सेल का प्लान हम तभी करेंगे जब 36,800 के नीचे या 36,700 या 600 के नीचे यहाँ पर कोई निगेटिव कैंडल क्लोजिंग देती है, तो यहाँ से मार्केट सेल साइड मूव कर सकता है। इस रेंज को ब्रेकआउट के बाद हम ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर ट्रैपिंग जोन है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, तो मार्केट यहाँ पर हमें ट्रैप कर सकता है। हम सेलिंग 36,600 या 36,700 के नीचे ही करना प्रीफर करेंगे क्योंकि ये जो है जोन है ट्रैपिंग का जोन है, तो इस जोन में हम ट्रेड नहीं करेंगे। आई होप ये सारे पॉइंट आप लोग समझ रहे होंगे, यदि समझ रहे हैं तो मेरी वीडियो को लाइक कर दे, एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और इसी तरह की लर्निंग एंड एनालिसिस वीडियो पाने के लिए बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दे, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अगर मान लीजिए मार्केट में बहुत ज़्यादा गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है, इधर कहीं पर ओपनिंग हो जाती है 36,600 या 36,000
700 के पास इधर कहीं पे मार्केट ओपन होती है, तो यहाँ से मार्केट रिवर्सल तो नहीं लेगा, लेकिन मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेशन करके फिर ये डाउनफॉल हो सकती है। तो हम मार्केट में कंसोलिडेशन का वेट करेंगे, अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है या फिर देखेंगे कि ये निगेटिव कैंडल इस तरह से बहुत ही स्ट्रॉन्ग निगेटिव कैंडल बेरिश कैंडल क्लोजिंग दे और फिर इसके लो को निकाले तो हम यहाँ पर सेल कर सकते हैं। चलिए अभी हम लोग निफ्टी देख लेते हैं। निफ्टी में प्राइस सेक्शन बहुत अच्छा दिख रहा है। यहाँ पर निफ्टी में एक छोटा सा रेंज बनाया हुआ है और ये अपर साइड में ही क्लोजिंग दिया है। इसके पास बहुत बड़ा रेंज नहीं है तो कल ही अपसाइड मोमेंटम कर सकता है। 17,600 के ऊपर अगर यहाँ पर एक पॉजिटिव कैंडल क्लोजिंग देती है और इसके हाई को निकालती है तो यहाँ पर हम बाय कर सकते हैं। यहाँ पर है एक जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 17,650, तो अगर यहाँ पर थोड़ा सा मार्केट होल्ड करती है और इस लेवल को भी निकालती है तो इसके पास बहुत अच्छी स्पेस है। ये 17,780-800 का भी यहाँ पर हाई लगा सकता है, इसके पास से मार्केट में रेजिस्टेंस ले सकता है। लेकिन अगर डाउन साइड भी यहाँ पर क्रॉस करती है 17,540 या 530 के नीचे एक निगेटिव कैंडल बनाती है और इसके लो को निकालती है तो हम यहाँ पर सेलिंग करना प्रीफर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर स्पेस है। यहाँ पर आकर के कहीं पर सपोर्ट लेगा 17,400 के पास, तो इसके पास बहुत अच्छी स्पेस है 17,400 या 17,450, ये जोन है जो सपोर्ट जोन है, तो इसके पास बहुत अच्छी स्पेस है, लगभग 80-90 पॉइंट का स्पेस है। तो मार्केट में यहाँ पर आपको अच्छी प्रॉफिट मिल सकती है। अगर मार्केट में बिग गैप डाउन ओपनिंग हो जाए, कहीं इधर ओपनिंग हो जाए इस रेंज में, तो यहाँ पर मार्केट थोड़ा सा वेट कर लीजिए, यहाँ पर एक रेंज क्रिएट कर जाने दीजिए, फिर इसके बाद जिस साइड में ब्रेकआउट करेगा चांसेस ज़्यादा है कि डाउन साइड में ब्रेक करे, तो यहाँ पर आपको अच्छी प्रॉफिट मिल सकती है, क्योंकि इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट जोन है वो 17,200 या 220 सपोर्ट जोन है। तो मार्केट में यहाँ पर बहुत अच्छी आपको डाउनफॉल में प्रॉफिट मिल सकती है। लेकिन अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग हो जाए कहीं पर 17,650 से 17,700, तो यहाँ पर आप निगेटिव कैंडल का वेट करें। अगर आपको निगेटिव कैंडल मिलती है और इसके लो को निकालती है तो यहाँ पर सेलिंग करना ईजी होगा, क्योंकि यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन मिलेगा और यहाँ पर गैप अप ओपनिंग के चलते मार्केट में इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस करेगा तो यहाँ पर सेलिंग के लिए आपको ईजी हो जाएगा। यहाँ पर आपको सेल साइड में अच्छी प्रॉफिट मिल सकती है। चलिए अभी हम लोग कुछ स्टॉक देख लेते हैं। पहला स्टॉक है भारती एयरटेल में बहुत अच्छी प्राइस सेक्शन यहाँ पर बनाया हुआ है, लगातार अपसाइड मोमेंटम कर रहा था, लेकिन यहाँ पर मार्केट कंसोलिडेट किया तो यहाँ पर थोड़ा सा भारती एयरटेल सेल साइड में लग रहा है, यहाँ पर सेलिंग आ सकती है। अगर इस रेंज को ब्रेकआउट देती है तो इसके नीचे मार्केट फॉल हो सकती है। तो कल अगर फ्लैट ओपन हो या 2-3 रुपये का गैप डाउन ओपनिंग हो तो हम इसको 723 के नीचे सेल कर सकते हैं, मात्र 3-4 रुपये का स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट आपको 1:2 से ज़्यादा दे सकता है। नेक्स्ट स्टॉक है कोल इंडिया में बहुत अच्छी प्राइस सेक्शन यहाँ पर बना हुआ है, ब्रेकआउट लेवल के पास में खड़ा है, तो हो सकता है कल मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा पॉज ले, लेकिन जब भी इस लेवल को ब्रेक करेगा यहाँ पर आपको लगभग 5-6% का मूवमेंट मिल सकता है। तो कल अगर 663 को क्रॉस करती है तो हम यहाँ पर 162.50 को क्रॉस करती है तो हम यहाँ पर बाय करेंगे, 50-60 पैसे का स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट आपको यहाँ पर बहुत अच्छी देखने को मिल सकता है, इसमें बहुत अच्छे मूवमेंट मिल सकती है, क्योंकि ये ब्रेकआउट लेवल के स्टेज पर खड़ा है तो यहाँ पर बहुत अच्छी प्रॉफिट मिलने का चांस है। नेक्स्ट स्टॉक है बायोकॉन भी बहुत अच्छी प्राइस सेक्शन यहाँ पर बना हुआ है। आप देखेंगे कि यहाँ पर एक डाउनफॉल के बाद मार्केट ने एक पॉज लिया, फिर से इसने इस लेवल को टेस्ट करने आया और यहाँ पर एक पॉजिटिव कैंडल बनाया, फिर एक हॉल्ट कैंडल बनाया। तो अगर कल है 369 को निकालती है तो हम यहाँ पर बाय करेंगे, 1-1.5 रुपये का स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट 1:2। नेक्स्ट स्टॉक है टाटा कंज्यूमर में बहुत अच्छी यहाँ पर सेल साइड का प्राइस सेक्शन बनाया हुआ है। यहाँ पर मार्केट में कंसोलिडेशन था, इस तरह से एक ट्रेंड लाइन था, अभी ये ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोजिंग दे चुका है। तो कल अगर ये 852 को निकालती है तो हम यहाँ पर सेल कर सकते हैं, 2-2.5 रुपये का स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट आपको 1:2 से भी ज़्यादा मिल सकता है, क्योंकि इसके पास बहुत अच्छी स्पेस है, ये जाकर के 840 के पास रिवर्सल दिखा सकती है, राउंड लेवल है, तो यहाँ से मार्केट में एक रिवर्सल आ सकती है, तो इसके पास बहुत स्पेस है, तो आप यहाँ पर सेल कर सकते हैं, 1:2 से भी ज़्यादा टारगेट दे सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट ऑफ व्यू, सो हिट द लाइक बटन। एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दे, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और